For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. ये है मोहब्बतें, जिस कहानी की शुरुआत ही रमन और इशिता की मोहब्बतें से शुरू हुई थी, जहां रमन के बच्चे ही रमन और इशिता के प्यार की नींव है। लेकिन अब लगता है कि इस रिश्ते की ये नींव हिल सी गई है। जी हां, जहां अब तक रमन भूल गया है अपने बच्चों के साथ को, तो दूसरी तरफ आदि और रूही भी अपने पापा यानी कि रमन से दूर रहने लगे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि बहुत जल्द इशिता एक बार फिर से उसके बच्चों और रमन का मिलन करवाती भी नजर आएगी। वेल, ऐसे क्लीयरिंग वेबसाइट की माने तो अब इशिता की बहुत ही जल्द होने वाली है भल्ला हाउस में एंट्री, जिसके बाद भल्ला हाउस में रहकर इशिता सिमी और परम की चालों को फेल करती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि इशिता की सब में कोई और नहीं बल्कि रूही और आदि मदद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस सबके बीच में सिल की कहानी एक बहुत ही बड़ा मोड़ लेने वाली है, क्योंकि हमारे कुछ खास सोर्सेज की माने तो अब इशिता का नहीं बल्कि रूही का होने वाला है अनन्या से सामना। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि रूही भी अपने साथ अनन्या को भल्ला हाउस में लेकर आएगी, जिसके बाद जैसी अपनी बेटी को जिंदा देख कर सिमी भी चौंक जाएगी। मतलब क्या होगा सीरियल की कहानी में, इस बात की पूरी जानकारी हम आपसे फैंस तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बन रही हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।